एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का बेहद ही कुरकुरा, क्रिस्पी और टेस्टी सा नाश्ता, जिसे कि आप एक बार बनाएंगे और महीनों तक इसे रख के खा सकते हैं। इसे आप चाय के साथ एंजॉय करें, जब भी आप कहीं बाहर भी इसे आप ले जा सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं इसे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इसे हम गेहूँ के आटे से बनाएंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 3 चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी डाला है, इसको और भी खस्ता और कुरकुरा बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच के करीब काले तिल, या फिर आप मंगरेल भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है सफ़ेद तिल, जिससे कि बहुत ही कुरकुरा, क्रिस्पी और बहुत ही सौंधापन लगेगा इससे खाने में। और यहाँ पर मैंने देखिए ताज़े मेथी ले लिया है, वो भी काट के डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है मोयन के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम पानी डाल लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करके रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाला है तो ये फूलेगा वो, तो आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना है। इसे हम रख देंगे 10 मिनट के साइड में। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये आटा थोड़ा सा सख्त हो चुका है, क्योंकि ये सूजी जो फूल चुका है वो। इसी तरीके का हमको आटा चाहिए, जिससे कि हमारी जो मटरी हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता बनेगी। और इसमें हमें बहुत मेहनत भी नहीं करना है, ना ही बेलना है, ना ही कुछ करना है। बस देखिए इस तरीके से रोल बना के और इसे हम बिल्कुल पतला पतला स्लाइसेस में काट लेंगे। इसी तरीके से हमको पूरे स्लाइसेस के काट लेने हैं पतले पतले से, और इसे थोड़ा सा फ्लैट करके इस तरीके से किनारों से हमें दबा देना है, ताकि इसमें एक अच्छा सा पत्ती का डिज़ाइन बन जाएगा, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और जो बीस इसमें काटने पे दरारें आई हैं, वो जब फ्राई होंगी तो बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो ये मटरी बनाने का बहुत ही अलग सा तरीका है, और देखने में डिज़ाइन भी बहुत अलग सी है, जो कि बनाने में भी बहुत इजी है। और ये बिल्कुल टेस्ट इसका मटरी की जैसा ही आएगा, बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छा और खस्ता आएगा। हमने इसे गेहूँ के आटे से बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा आपको, और ये तेल भी बहुत कम सोखता है। मैंने इतनी सारी मटरियाँ बनाई हैं, पर ये बहुत कम तेल सोखा है, मतलब सारा तेल बचा के बचा ही था। ऐसे मैदे से हम बनाते हैं तो बहुत तेल सोख करता है, और इसमें सूजी भी पड़ा है तो ये और भी तेल कम सोख कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाय के साथ कुछ अच्छा सा स्नैक्स बनाना चाहते हैं, जो कि आप महीनों तक खा सकें, तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक है। देख सकते हैं कितना खस्ता करारा कुरकुरा हो चुका है ये। हमें इसे अच्छे से बिल्कुल सिम ऑयल पर फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, और इस तरीके से देखिए फ्राई होकर बहुत अच्छा सा नाश्ता हमारा बनके तैयार है, एकदम खस्ता कुरकुरा। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नाश्ते को इस तरीके से चौकोर पीसेस में कट कर लिया है, जिससे कि ये अगर आपको दूसरा डिज़ाइन में खाना हो तो उस तरीके से बना सकते हैं, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बहुत ही बेहतरीन सा खस्ता कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार है। 2 तरीकों से हमने इसे बनाया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और इसे महीनों तक रख के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी देख सकते हैं आप, और ये बहुत कम तेल सोखने वाला है, और गेहूँ के आटे से बनाए, इसकी खास बात यह है। इसे बनाएं और खाएं, रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हों ज़्यादा शेयर करें।